हेलो दोस्तों, फाइनली फिर से MIUI 12 में एक नया अपडेट आ चुका है। उस अपडेट में आपको क्या क्या देखने मिलेगा और क्या क्या देखने नहीं मिलेगा, उस सभी के बारे में आपको बताऊंगा। और आप पहले ही जान लीजिए कि ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि अपडेट करते समय बहुत लोग जो है वो कुछ कुछ गलतियाँ कर देते हैं, उस गलतियों के बाद जो है उसको पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है कभी भी अगर आपका फ़ोन जो है अपडेट करते हैं तो उसमें आपको जो है कोई भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, और भी सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको जो है फ़ोन को अपडेट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, वो तो आप जानते ही है। और आपको जो है क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है आपको जो है फ़ोन अपडेट करने के लिए, तो उसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। आपको फ़ोन को अपडेट करते समय जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो है कि आपको जो है जब भी आप फ़ोन को अपडेट करते हैं तो आपका अपडेट करते समय आपका फ़ोन का बैटरी जो है मिनिमम 30% रहना ही होगा। तो अगर आपका साथ जो है 30% से कम है तो आप ज़रूर आपका फ़ोन को जो है चार्ज कर लीजिए। और दो नंबर यह है कि आप जब भी आपको फ़ोन का अपडेट करते हैं तो आप वाईफाई में कनेक्ट करते हैं या आपका मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। आप जिसको भी कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो है आपको मतलब जितने MB का अपडेट है उस MB से ज़्यादा MB रखना चाहिए। वो दो नंबर अपडेट हो चुका है। और आपको जो है आप जब भी आपका फ़ोन अपडेट करते हैं तो अपडेट करते समय आपको जो है जब भी रिबूट होना स्टार्ट होगा तो आपको पता ही है फ़ोन को जो है अपडेट करते करने के बाद आपको जो है वो रिबूट होगा। तो रिबूट होने के बाद आपको जो है कोई भी कुछ भी बटन में जो है आप वॉल्यूम अप बटन, वॉल्यूम डाउन बटन, या आपको जो है पावर बटन कुछ किसी को भी आपको जो है प्रेस करना नहीं चाहिए। ये था तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। और आपको किस तरह से अपडेट करना है उसका भी एक अलग से वीडियो बना के रखा हो, फिर भी कुछ लोग जो है कुछ तरह से गलतियां कर लेते हैं अपडेट करते समय, तो क्या क्या गलतियां नहीं करना चाहिए इसके लिए ही मैं जो है इस वीडियो बना रखा हूँ। लेकिन इस वीडियो में भी मैं जो है ऐसे ही मैं आपको बता दूंगा किस तरह से जो है आपका फ़ोन अपडेट करना चाहिए। तो आपको पहले आपको जो है फ़ोन अबाउट फ़ोन जो है अबाउट फ़ोन में क्लिक कर देना है। अबाउट फ़ोन में क्लिक कर देने के बाद अगर आपको जो है अपडेट का ऑप्शन नहीं आया है तो आपको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे सभी को मिलेगा। तो आपको MIUI वर्जन जो है उस MIUI वर्जन क्लिक कर देना है। MIUI वर्जन में क्लिक कर देने के बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो है अपडेट बोल के लिखाया है, मेरा देखिए चेक फॉर अपडेट लिखाया है, तो आपको जो है अपडेट बोल के लिखा जाएगा। तो अपडेट क्लिक फॉर अपडेट जहाँ पर लिखा मतलब अपडेट बोल के लिखा जाएगा, तो यहाँ पर अपडेट में क्लिक कर देना है। अपडेट में क्लिक कर देने के बाद आपका जो है वो अपडेट मतलब डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपका जो है प्रोसेसिंग होगा 100% तक। 100% तक प्रोसेस होने के बाद आपका जो है वो रिबूट बोल के लिखा जाएगा। रिबूट में क्लिक कर देने के बाद आपका जो है वो फ़ोन अल्टीमेटली स्विच ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑफ होने के बाद आपका जो है रिबूट होके फिर से ओपन हो जाएगा। तो आपका जो है वो किसी को बहुत समय लगता है, किसी को ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपको 10 मिनट भी लगे तो भी आपको कोई भी मायूस होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है ये किसी किसी को भी ज़्यादा समय लगता ही है। तो आप अगर इसको अपडेट कर लिया है तो आप तो अपडेट कर ही लिया, अगर अपडेट नहीं किया है तो मैं आशा करता हूँ आप जो है वो समझ होंगे मैं किस तरह से बोला है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो वो कर ही सकते हैं। आपका जो है इस अपडेट के बाद तो क्या क्या नया नया फीचर आया है तो इसके बारे में मैं वीडियो बना के दूंगा, तो इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो।